दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि डेवलपमेंट में ज़्यादा स्कोप है या टेस्टिंग में ज़्यादा स्कोप है। मतलब डेवलपमेंट में ज़्यादा सैलरी है या टेस्टिंग में ज़्यादा सैलरी है, क्या बेस्ट है आपके लिए। तो इन दोनों डिफरेंस के बारे में मैं आज इस पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ, देखो, डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों अपने में एक डिफरेंट फील्ड है और दोनों अपने में एक मास्टर फील्ड है। इसमें होता क्या है, जो भी कोई डेवलपर होता है, वो सपोज मैं मान के चल रहा हूँ कोई सॉफ्टवेयर जावा डेवलपर है, और वो क्या करता है, एक प्रोग्राम को डिजाइन करता है, एक सॉफ्टवेयर बनाता है और उस सॉफ्टवेयर को वो रन करता है। इसके बाद में अभी काम आता है टेस्टर का। अब देखो, टेस्टर जो होता है वो क्या करता है कि जावा डेवलपर ने तो वो प्रोग्राम बना दिया और उसे लगता है कि ये प्रोग्राम सही है, मेरा रन हो रहा है। अब देखो, टेस्टर का काम क्या होता है, बग निकालना। क्या है, पूरी कोडिंग उसके पास है, पूरा एक्सेस उसको दे दिया। अब उस टूल में, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या पर्टिकुलर उस वेबसाइट में वो एरर निकालेगा, क्या क्या इसमें एरर है। तो कहने का मतलब ये ना कि उसे कोड फिर से पूरा पढ़ना पड़ता है, बट वो इस चीज़ से बच जाता है कि उसे कोड डिजाइन नहीं करना पड़ता है। गलती निकाल के वो उस डेवलपर को दे देता है, वो अपना सही करता है और तब जाके वो करेक्ट होता है। तो उसको क्या है, प्रोग्राम बना बनाया मिला है, उसे टेस्टिंग करनी है। यहाँ पे दो तरीके से टेस्टिंग होती है, मैनुअली टेस्टिंग, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। तो कई कंपनीज आज मैनुअली टेस्टिंग भी चला रही हैं और कई कंपनीज आज ऑटोमेटिकली टेस्टिंग पे भी आ गई हैं। तो क्या होता है कि जब भी वो बना के एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट को, तो वहाँ पे वो बग निकालते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो कहने का यहाँ पे मतलब कि देखो, अगर उनका काम कुछ कम है, जैसे कि टेस्टर का काम कुछ कम है, डेवलपर का काम ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से उसकी सैलरी भी होती है। फॉर सपोज अगर कोई बंदा है, अगर वो डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसकी सैलरी अगर 10 लाख का पैकेज है, तो वहाँ पे टेस्टर की सैलरी 8 लाख, 9 लाख या 7 लाख या 9.5 लाख। मतलब कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से उसकी सैलरी कुछ ना कुछ कम होगी, चाहे वो 5% कम हो। मैं ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप कहो कि नहीं, मैं टेस्टर हूँ, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई जावा डेवलपर है, उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है कि वो जावा डेवलपर की सैलरी कम होगी, टेस्टर की ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी आपका मैटर करता है और स्कोप दोनों फील्ड में बहुत है, क्योंकि जहाँ पे डेवलपर है तो वहाँ पे टेस्टर होने भी ज़रूरी है, कंपनीज में होते भी हैं। तो स्कोप नो डाउट बहुत है, और मैंने आपको सैलरी वाइज भी बता दिया। ये मैंने जो सैलरी वाइज आपको बताया कि 8 लाख और 10 लाख डेवलपर की, 8 लाख टेस्टर की, तो ये मैंने एक ऑन एन एवरेज सैलरी आपको बताई है कि इस तरीके से होता है। जैसे 5 साल का एक्सपीरियंस उसे भी है, 5 साल का उसे भी है, तो ऑन एन एवरेज सैलरी बताई। बाकी एक्सपीरियंस में मैटर करता है, कोई डेवलपर को 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई टेस्टर को 20 साल का, किसी डेवलपर को 20 साल का, किसी टेस्टर को 15 साल का, तो ये वायरी करता है कि यार उसको, उसके पास एक्सपीरियंस कैसा है। अगर मैं बात करूँ दिमाग लगाना या माथा बच्ची, तो भाई दोनों में होता है वो, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या टेस्टर हो। बट डेवलपर को थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जब भी कोई कोडिंग होती है, जब भी कभी कुछ कुछ डिजाइन होता है। ये मैंने आपको एक बेसिक या ऑर्ली डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शोभा, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।